जी, आज का ये कैंडल मार्च दरअसल कल कश्मीर के पुलवामा में जिस तरीके से हमारी सेना पर आतंकियों ने हमला किया है और 44 नौजवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके साथ इजहार एकजहती के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए निकाला गया है। और ये मांग करने के लिए हमने मार्च निकाला है देवबंद के तमाम जनता की जानिब से, यहाँ के तमाम समाज सेवियों की जानिब से, हिंदू मुस्लिमों की जानिब से। इसमें हमारे साथ यहाँ सैयद हारिस साहब मौजूद हैं, फैसल भाई मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं। हम सब ये मिलकर ये स्ट्रांगली डिमांड करते हैं सरकार से, गृह मंत्री से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल शर्मा से कि आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग उस वक्त समय क्या कर रहे थे जब देश के एक इतनी बड़ी तादाद में हमारी कई बटालियन कश्मीर में पुलवामा में गुजर रही थी और जब पहले से इनपुट दे दिया गया था, तो उस समय भी आप लोगों की इतनी बड़ी चूक क्या है? इसके लिए नैतिकता, नैतिक आधार पर आप इस्तीफा दें और इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें और साथ ही साथ हमारी सेना के सुरक्षा के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है और जिन लोगों ने उन पर हमला किया है, उनको मुंहतोड़ जवाब दें। देश की जनता आपके साथ है, हम सेना के साथ खड़े हुए हैं, हम सेना के परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि इस देश में जो सरहद पर हमें रात में नींद देते हैं, नींद का मौका देते हैं, हम आराम से रात में सोते हैं, उन लोगों के साथ आइंदा कोई ऐसा खिलवाड़ न हो। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को और तमाम राजनीतिक पार्टियों को मिलकर इसका एक हल निकालना चाहिए। आज का एक कैंडल मार्च इसीलिए है।